मैं तो फिर भी कहती हूँ कि विपक्ष में है बहन जी, मैं फिर भी अच्छी लीडर है, हमने उनसे सीखा है, हम सीखते हैं आज भी उनसे कि इस देश के तमाम जो सरकार की खिलाफ नीतियां हैं उन पर बहन जी को आवाज उठानी चाहिए। बिल्कुल, मैं तो उनका स्वागत करती हूँ, समर्थन करती हूँ अगर वो आवाज उठाए। मैंने नहीं देखा उनको इतने दिन से, तो मैं भी एक्टिव हूँ। मैंने नहीं देखा उनको ट्रैक्टर चलाए गए थे लखीमपुर में, किसानों को मारा गया था, पत्रकारों को जेल भेजा गया था, मणिपुर में बेटियों को नंगा घुमाया गया था। कहाँ थी वो? क्यों? सुनिए, मैं ट्वीट पर ज्यादा ध्यान नहीं देती हूँ, मैं जमीन पर ध्यान देती हूँ। और जमीन पर राहुल गांधी भी जमीन पर उतरे थे, महंगाई के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया था, लेकिन एक भी प्रदर्शन बेटियों के लिए ही करवा लेती। मैं मायावती जी से कहती हूँ, निवेदन करती हूँ मैं उनसे कि आप तो मेरे से खैर बड़ी हैं, बहुत उम्र की बड़ी है, मेरी माँ जैसी उम्र की है, जितनी उम्र मेरी मदर की है इतनी उम्र उनकी है। मैं उनसे निवेदन करती हूँ कि एक बड़ा हजुम तो ऐसा हला करके रख दे वो कि जो मणिपुर में बेटियां नंगी घुमाई गई हैं सरकार के खिलाफ। मैं उनके साथ जाऊंगी, मैं उनका समर्थन करूंगी, उनके बराबर में खड़ी होकर के। मैंने तो पहले भी देखा जब वो साइकिल पर बैठ करके घूमती थी, मेहनत मेरे गांव में आई हुई है भाई, प्रधान मुख्यमंत्री नहीं बनी थी तब मेरे गांव में आई हुई है, सड़क पर आंदोलन करती थी, आंदोलन करती थी मेरे गांव में, इतने समाज के लोग रहते हैं उनके, उन्होंने स्वागत किया था। लेकिन फिर भी मैं उनसे कहती हूँ कि आप बहुत अच्छी लीडर हैं, बहुत अच्छी नेता हैं, और सबसे बड़ी बात कि एक आप महिला हैं, तो आपको कुछ भी मुद्दा आप मत उठाइए, अगर नहीं उठा पा रही वो आपकी पॉलिसी है, मैं जानती नहीं हूँ, लेकिन कोई बात नहीं। लेकिन बात राहुल गांधी भी नहीं बोलते, बात बेटियों की, देखिए राजस्थान में बोलने वाले बहुत लोग हैं, नहीं राहुल प्रियंका नहीं बोलते, देखिए जहाँ बोलने वाले लोग नहीं है, अभी जिस राजस्थान के ज्यादा हाल राजस्थान में महिलाओं का है, सुनिए, हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, अभी महिलाओं की जो हालत तीन लड़कों ने खराब की थी, उनको पकड़कर जेल में ठूंसा, उन पे UAPA लगाया गया, और जब जांच में पता चला तो वो लोग कौन थे, ABVP के स्टूडेंट, और ABVP क्या है, भाजपा की एक शाखा है, आपकी गलतफहमी दूर करूं। दूसरी बात, मैं बहन जी से ये कहना चाहती हूँ, किया गया क्योंकि हम महिलाएं जो हैं आज बैठे हुए जींस पहन करके कपड़े पहन करके बैठे हुए हैं, तो ये संविधान की देन है, महिलाएं चुनाव लड़ती हैं, इसमें जो भागीदारी है, और इसमें हम आज बोल रहे हैं इतने अधिकार से, इतने हक से अपनी बात कर रहे हैं, और फिर सबसे बड़ी जो चीज़ संविधान में, क्योंकि ये पहले से ही दलित विरोधी है, संविधान के पीछे इनमें, मेरी बात सुनिए, ये पूरा का पूरा जो सबसे ज्यादा जो है भाजपा और हमारे जो देश के बड़े बड़े दिग्गज नेता हैं भाजपा में, वो दलितों से बहुत चिढ़ते हैं, और संविधान में दलितों को ज्यादा प्राथमिकता दी है, क्योंकि ये बहुत जो है दबे दबाया गया, इनको परेशान किया गया, तो ये एक इक्वल उस पर आ जाए, बराबरी पे थोड़ा आ जाए, इसलिए इनको ज्यादा अधिकार दिए, तो ये तो पहले से ही दलितों से और महिलाओं से चिढ़ते हैं, इसलिए चाहते हैं संविधान बदल दे इनको। देखिए पूरे सरकार के जो भाजपा सरकार है उसके तो पूरे पीछे हमेशा संघ ही होता है, संघ की मानसिकता है संविधान बदलना। संविधान बदलना, बेटियों के लिए बात ना करना, बेटियों को बदनाम करना, बेटियों के लिए एक इन्हीं का नेता था वो सदानंद पतिजन, कौन सा पति था वो, वो ये कहता था कि वो जो पति था पता ना कौन सा, तो वो कहता था कि महिलाएं वहां जाती हैं भाजपा में और न जाने क्या क्या करती हैं, ये करती हैं वो करती, तो ऐसी मानसिकता रखने वाले ही लोग इस चीज को करते हैं, और ये किससे जुड़े हुए हैं, सब RSS से जुड़े हुए हैं। आप एक भी व्यक्ति जो है, अब जो व्यक्ति इनकी पार्टी में अच्छे हैं तो उनको तो इन्होंने बैकफुट पे किया हुआ है, जो अच्छे व्यक्ति हैं उनको तो अच्छा ही कहा जाएगा। जब इनके पास हमें ऐसा कोई लीडर नहीं लग रहा, नज़र नहीं आ रहा कि इस देश के संविधान की बात करें, देश में कानून व्यवस्था की बात करें, देश में महिलाओं की बात करें, देश में शिक्षा की बात करें, देश में स्वास्थ्य सुविधाओं की बात करें, तो हम बात ही कैसे करें। आज मौजूदा जो है, अभी आपने G20 कराया और दुनिया को ये दिखाया, चलाना चाहते हैं, देखिए ये जो है तानाशाह के आधार पर देश को चलाना चाहते हैं, क्योंकि जब नई संसद हमारी इसकी ओपनिंग हुई थी तो आपने देख लिया था, जो देश में मेडल लाने वाली महिलाएं हैं, पहलवान हैं, उनकी, उनको पीड़ित करने वाले व्यक्ति को नई संसद में ले जाया गया। और सिंगोल क्या है, सिंगोल एक राजतंत्र का प्रतीक है, और इस देश में राजतंत्र नहीं है, लोकतंत्र है, कि जिस व्यक्ति को ये पता है हाथ लगाने से इसको मेरे देश के लिए खराब है, मेरी देश की जनता के लिए खराब है, उस व्यक्ति ने, नेहरू जी ने उस सिंबल, हाँ ठीक है सम्मान में लोग देते थे कि अब आप जीते हो आप रखो, उन्होंने कभी छुआ तक नहीं, और आज उस सिंगोल को नई संसद में ले जाया गया ये दिखाने के लिए कि लोकतंत्र नहीं रहेगा अब राजतंत्र आ जाएगा। ये देश लोकतंत्र से चलता है, आपको बड़ी तकलीफ हुई नेहरू जी ने हाथ तब लगाया जब उन्हें कोई राजा जवाब आपको विदा कर दिया गया, तो आप किसी ना किसी को तो देके जाओगे ना अब इस देश की कमान, तो उस व्यक्ति ने छुआ तक नहीं था, और आज आप उसी को आगे किए जा रहे हो, लेकिन क्यों? लेकिन ये जताने के लिए कि राजतंत्र है, लेकिन राजतंत्र नहीं है, लोकतंत्र है। आपने सेंगोल का जिक्र किया, जब ये सेंगोल स्थापित किया गया संसद में तो तब साउथ से ब्राह्मणों को बुलाया गया, तमाम ब्राह्मणों ने, जो उत्तर भारत के ब्राह्मणों ने सवाल उठाया, क्या क्या उत्तर भारत के ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं होते, ये बात तो सच्ची है, उन्होंने तो हर पल पे अपमान किया है,
चाहे वो ब्राह्मण हो चाहे वो बेटी हो, इस देश की जनता का अपमान किया है। ब्राह्मणों का अपमान करना जो है इनको अब नहीं दिख रहा कि ब्राह्मणों का अपमान हो रहा है, अब नहीं दिख रहा इनको कि देश में ब्राह्मण कितने मारे जा रहे हैं, कितने लोगों को परेशान किया जा रहा है, कितनी महिलाएं मारी जा रही चाहे वो ब्राह्मण है चाहे नॉन ब्राह्मण है, अब नहीं दिख रहा इनको। सिंगोल जब स्थापित किया गया तो किसी को नहीं पता था, और ना ये पता था कि अखंड भारत का बोर्ड लगेगा। अखंड भारत क्या है मैं पूछना चाहती हूँ। अखंड भारत है कि जो देश की सीमाएँ अब भारत में नहीं है, जब पहले भारत में थी, आज वो अलग देश बन चुकी है, चाहे वो पाकिस्तान है चाहे वो बांग्लादेश है चाहे वो म्यांमार है वर्मा, ठीक, ये पहले भारत में आता था, अखंड भारत का हिस्सा था, आज ये अखंड में नहीं, तो क्या ये अखंड भारत के तहत पाकिस्तान को हिंदुस्तान में विलय करेंगे? उस देश को जिसने इतनी बेटियों को विधवा किया है, इतनी बेटियों की जो है भाइयों को छीना है, इतनी माँ की कोख उजाड़ी है, उस पाकिस्तान को जिन्होंने इतना समय समय पर हमारे देश को नुकसान पहुँचाया, अखंड भारत के तहत तो वो भी आ रहा है ना। आज 80 के जो आर्थिक सलाहकार उनके बयान, बिल्कुल मैं बिल्कुल विरोध कर रही हूँ उनके बयान का। मैं विरोध करती हूँ अखंड भारत का, इसलिए अखंड भारत का विरोध करती हूँ कि मैं नहीं चाहती कि पाकिस्तान जैसा देश जो है आज इतने देश का हमारे नुकसान कर चुके, इतनी सेना के जवान मर चुके, आज भी आप देख लीजिए कितनी तकलीफें हैं, कितनी बेटियां विधवा हुई हैं, और आप उसको अखंड भारत के तहत भारत में लाना चाहते हैं। कह रहे हैं क्यों? हमने भी बाइटें सुनी है सोशल मीडिया पर कि संविधान पुराना हो गया इसलिए इसे बदल देना चाहिए। मैं आपसे पर्सनल पूछ रही हूँ, पत्रकारिता को साइड रखे, आप एक हिंदुस्तान के नागरिक हैं, आप मुझे बताइए क्या बदल देना चाहिए? नहीं नहीं, मैं तो बिल्कुल खिलाफ हूँ। खिलाफ है ना, ऐसे ही मैं खिलाफ हूँ, क्योंकि उसमें बेटियों के अधिकार है। सरकार के लोग, अरे सरकार प्रधानमंत्री जी के सलाहकार बयान दे रहे हैं, कोई उठा गिरा आदमी नहीं दे रहा, कोई झोला छाप व्यक्ति नहीं दे रहा कि झोला लिया और निकल लिया इस देश से। प्रधानमंत्री के सलाहकार ने बयान दिया, बिना प्रधानमंत्री जी की सलाह के बिना तो सलाहकार हिलता तक नहीं है, बाथरूम में तक नहीं जाता है। बहन जी ने विरोध किया ट्विटर पर बैठ करके, इस देश में इतनी बेटियों के बलात्कार हुए, क्या बहन जी ने विरोध किया? आप बताइए, नहीं किया? नहीं। इस देश में सबसे बड़ा आंदोलन चला, क्या उन्होंने आंदोलन के समर्थन में बात की? नहीं की। इस बात से मुझे बहन जी से दिक्कत है। मैं उनमें आंदोलन की बात कर रही हूं। इस देश का सबसे बड़ा किसान आंदोलन चला था, उन्होंने एक बार भी सपोर्ट नहीं किया, नहीं किया, नहीं समर्थन में एक भी ट्वीट नहीं किया। आपको जानकारी नहीं है? देखिए बिल्कुल भी नहीं है। दूसरी बात, लखीमपुर में बिल्कुल किया आंदोलन, सबसे पहले ट्रैक्टर लेकर राहुल गांधी चले, कि जिस व्यक्ति को ये पता हाथ लगाने से इसको मेरे देश के लिए खराब है, मेरी देश की जनता के लिए खराब है, उस व्यक्ति ने, नेहरू जी ने उस सिंबल, हाँ ठीक है सम्मान में लोग देते थे कि अब आप जीते हो आप रखो, उन्होंने कभी छुआ तक नहीं, और आज उस सिंगोल को नई संसद में ले जाया गया ये दिखाने के लिए कि लोकतंत्र नहीं रहेगा, अब राजतंत्र आ जाएगा। ये देश लोकतंत्र से चलता है। आपको बड़ी तकलीफ हुई, नेहरू जी ने हाथ तब लगाया जब उन्हें कोई राजा जवाब आपको विदा कर दिया गया, तो आप किसी ना किसी को तो देके जाओगे ना अब इस देश की कमान, तो उस व्यक्ति ने छुआ तक नहीं था, और आज आप उसी को आगे किए जा रहे हो। लेकिन क्यों? लेकिन ये जताने के लिए कि राजतंत्र है, लेकिन राजतंत्र नहीं है, लोकतंत्र है। आपने सेंगोल का जिक्र किया, जब ये सेंगोल स्थापित किया गया संसद में, तो तब साउथ से ब्राह्मणों को बुलाया गया, तमाम ब्राह्मणों ने, जो उत्तर भारत के ब्राह्मणों ने सवाल उठाया, क्या क्या उत्तर भारत के ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं होते?